वेलकम बैक टू माय चैनल केकेज बावर्ची खाना। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज बना रहे बटर चिकन, जिसके लिए एक किलो चिकन को अच्छी तरह से वॉश किया है और इसको हम मैरिनेट कर लेंगे कुछ मसालों के साथ। दही ले लिया है एक कटोरी, एक चम्मच नमक ले लेते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट एक से डेढ़ चम्मच ले लेंगे, आधा नींबू इसके अंदर निचोड़ लेंगे, कसूरी मेथी को हाथ से ही क्रश करके इन पीसेस के ऊपर डालेंगे। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था, इसलिए हाथ से ही मैं सारे मसालों को इन पीसेस के ऊपर कोड करूँगी। जब ये मसाले कोड हो जाएंगे तब इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। चार प्याज को अच्छी तरह से कट किया, ब्राउन करके बाहर निकाल लिया है और चार पांच टमाटर कट कर लिए। उसी तेल के अंदर चार से पांच तेज पत्ते डाले हैं और हरी इलायची डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट भुन रहा है तब तक हम इन मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। ब्राउन किए हुए प्याज, 8 से 10 काजू, 2 बड़े चम्मच मींग और ये कटे हुए टमाटर, इन सब का पेस्ट अच्छे से बना लेंगे। तब तक हम चिकन को घी के अंदर फ्राई कर लेते हैं। उसी बाउल के अंदर हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम तेल के अंदर उसे भी डाल देंगे हम और इन मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन पीसेस को टर्न कर देंगे जिससे अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और मसाले में हम 250 ग्राम क्रीम मिला देंगे। सारे फ्राई किए हुए पीसेस इसके अंदर डाल के 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। नमक चेक कर लेंगे और ऑयल ऊपर आ जाने के बाद हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। रेसिपी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली आप रख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। लास्ट में डिश आउट करने के बाद ऊपर से मैंने क्रीम से इसको गार्निश कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।